किसान साथियों, ये जो सोयाबीन वेराइटी आप देख रहे हैं, JS 2172 सोयाबीन वेराइटी है, जो कि आज 80 दिन की अवस्था में हो चुकी है। इस वेराइटी की सारी जानकारी मैं आपको बता दूँ उसके पहले, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। हो सके तो पास बने घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वेराइटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इस प्लाट से ये जिसके अंदर 2172 वेराइटी लगाई है, इस प्लाट को दिखाइए, इसके ऊपरी पत्तियों को देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी है ये। इस वेराइटी के अंदर हमने ये पौधा निकाला, आप देखोगे कि इसके अंदर 80 दिन की अवस्था में भी इसके अंदर काफ़ी इस प्रकार की गांठें पाई जाती है, जो पौधों को पोषण देने का काम करती है। इन्हीं के कारण पौधा इन फलियों को बहुत अच्छे से पका लेता है। और इस वेराइटी के आप देखोगे कितनी शाखाएँ दिखाई देती है, यानी कि ये वेराइटी शाखाएँ बनाने वाली वेराइटी है। और इस वेराइटी के अंदर भी हमें फलियाँ ऊपरी सिरे तक भी गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, और इसके अंदर हमें 2 दाने और 3 दाने की अधिकतर फलियाँ दिखाई देती है। ये वेराइटी JS 2172 वेराइटी है, यह बहुत ही रोग प्रतिरोधक वेराइटी है। इसके अंदर मौसम के बदलाव के साथ अपने आप को ढालने की बहुत क्षमता है, पानी की खिंचाव को भी बहुत ज़्यादा सहन करने वाली, यानी कि 25 दिन की लंबी पानी की खींच को भी इस वेराइटी ने काफ़ी रिकवर किया और आज जो इस स्थिति में खड़ी है। इस वेराइटी का औसत उत्पादन तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताया जाता है, लेकिन किसानों द्वारा अच्छी मेहनत और खाद बीज का अच्छा उपयोग करने पर इस वेराइटी को 30 से 35 क्विंटल प्रति बीघा हेक्टेयर भी निकाला जा सकता है। दोस्तों, ये वेराइटी के बारे में आपके क्या व्यक्तिगत सुझाव है हमें ज़रूर बताएं, और ये इस वेराइटी की जानकारी आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।